वहीं रुद्रपुर के जिला पूर्ति विभाग में राशन लेने के लिए लोग दर बदर भटक रहे हैं। ऐसा ही मामला घास मंडी में आया है, जहां पर घास मंडी के लगभग 180 राशन कार्ड धारकों ने डीएसओ कार्यालय पर प्रदर्शन कर अपना राशन पूर्व में सस्ता गल्ला विक्रेता के यहां से ही दिलाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि 20 वर्ष से सभी कार्ड धारक अपना राशन ले रहे थे, कभी कोई समस्या नहीं आई और ना ही कभी सस्ता गल्ला विक्रेता ने कोई गलती की। दुकानदार ना तो फोन उठाता है और ना ही दुकान खोलता है। इसको लेकर पूर्व में भी सभी कार्ड धारक डीएम से मिले थे, तब राशन दिए जाने का आश्वासन मिला था। तब से लेकर अभी तक इन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल सका। वहीं जिले के डीएसओ विपिन कुमार से पूरे मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि इन सभी कार्ड धारकों को राशन पूर्व की सस्ता गल्ला दुकान घास मंडी से ही दिलाए जाने की व्यवस्था की जाएगी। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। जिला पूर्ति अधिकारी महोदय थे, उन्होंने जो है ये सस्ते राशन कार्ड उस दुकान से हटा करके विकास गढ़ की दुकान पर संबद्ध किए थे। उसके विषय में कुछ लोग आके मिले थे, तो हम आपदा में भी थे तो जिलाधिकारी मोदी के पास गए। जिलाधिकारी ने एक लेटर भेजा है, तो उसमें मैं कार्रवाई करवा रहा हूँ कि हमारा कार्ड जहाँ था वही रहे। हमको डीएम साहब से फिर मिलने के लिए हम जाएंगे, अभी डीओसओ साहब तो हमसे मिलने के लिए कोई राजी नहीं हो रहा। कब से हम रोज आ रहे, कंटिन्यू आ रहे, सब आ रहे हैं। डीओसओ साहब एक बार हमसे मिल ले, एक बार सिर्फ डीएम साहब के पास जाके हमने बोला, डीएम साहब ने बोला डीओसओ साहब आएगा तो हो जाएगा तुम्हारा काम। हम घूमे कितना दिन घूमे, और हम लेते थे सतपाल के उधर से, जसपाल के उधर से, अब दही के उधर भेज दिया हमको। 180 परिवार है बताओ, 180 परिवार का सब दुखी है। उधर वो डिपो अभी भी बंद पड़ा है, देख सकते हो, वीडियो है मेरे पास, वो डिपो बंद पड़ा है, आपको वीडियो में दिखा दूंगा, अभी डिपो बंद पड़ा है बताओ। वो नहीं मिलता है, मिलना तो हमको जाना ही नहीं है उधर। हमारा एक ही मांग है, हमको जाना नहीं है उधर। हम जहाँ था वो उधर ही रहेंगे 20 सालों से हम उधर ही है, उधर ही रहना है हमको, और कहीं पे नहीं जाना है हमको।